हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट टू के बारे में। यूनिट टू में आपके जो टॉपिक्स हैं बेसिकली दो तरीके से इसमें जो है क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला है आपका सिंपल कनेक्शन। सिंपल कनेक्शन में हम रिवेटेड और बोल्टेड और पिन कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट जो इसमें सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है सिंपल वेल्डेड कनेक्शन। तो बेसिकली अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिंपल कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल कनेक्शन में बेसिकली क्या होता है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कनेक्शंस क्या होते हैं। तो डिफिनेशन की बात करें तो कनेक्शंस आर द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ फेल्योर इन स्टील स्ट्रक्चर्स एंड दस नीड प्रॉपरली डिजाइन एंड एनालाइज। मीन्स जो कनेक्शन होते हैं बेसिकली उनको जो है वो किसी भी स्टील स्ट्रक्चर्स का वीकेस्ट पॉइंट होता है, सबसे कमज़ोर सिरा होता है। इस वजह से इसको प्रॉपर इसका डिज़ाइन और एनालिसिस करना आवश्यक हो जाता है। नाउ डिस्कस करते हैं कि आपका रिवेट क्या होता है। ठीक है, तो रिवेट की डिफिनेशन अगर मैं डिस्कस करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं, अ रिवेट इज़ अ मेड अप ऑफ राउंड डक्टाइल स्टील बार पीस माइल्ड और हाई टेंसाइल कॉल्ड सैंक विद अ हेड एट वन एंड। बेसिकली इसमें यह कह रहा है कि जो रिवेट होता है एक राउंड गोलाकार डक्टाइल स्टील बार छड़ होती है, जिस जो कि हो सकती है माइल्ड हो सकती है या फिर हाई टेंसाइल होती है। उसको जो है आपको उससे ये बनाया जाता है। इसका एक सिरा होता है कि सैंक, जिसे सैंक कहते हैं, और दूसरा जो सिरा होता है उसे हेड कहते हैं। मैं आपको एक रिवेट दिखाना चाहता हूँ आपके। अगर आपने कभी दुकान वगैरह में गए होंगे, आपने अगर बक्से बनते हुए देखे होंगे या फिर अलमीरा बनते हुए देखी होगी स्टील की, तो आप इनका यूज़ किया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो बेसिकली एक रिवेट है, ठीक है, आप इस रिवेट को देख पा रहे होंगे। तो इसका जो ये सिरा है इसको बोलते हैं हम सैंक। ये जो सिरा है जो किसी भी प्लेट के जोड़ने के लिए उसके अंदर ये इंसर्ट किया जाता है, घुसाया जाता है होल में, ताकि वो दोनों प्लेट एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए, कनेक्शन जॉइंट हो पाए और वो आगे जो है लोड को ट्रांसफ़र कर पाए। तो ये जो सिरा होता है इसे हम बोलते हैं सैंक, और हमारा जो ये सिरा होता है इसको हम बोलते हैं हेड। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी रिवेट है तो अगर वो कह रहा है, आपसे कह रहा है कोई कि 10 mm का रिवेट दे दो या 20 mm का रिवेट दे दो, तो वो जो mm डायमीटर बता रहा है, 10 mm व्यास का या डायमीटर का रिवेट दे दीजिए, तो वो उसका सैंक होता है। किसी भी रिवेट को जो उसके साइज से डिफाइन किया जाता है उसके सैंक के आधार पर किया जाता है, ना कि उसके हेड के आधार पर। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग हेड, जैसे हेड बुक केवल बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इसमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये जो नॉर्मल कंडीशन में जो रिवेट है इस सैंक का जो डायमीटर डी होता है या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा नॉमिनल डाया होता है। और जब इसे होल में इंसर्ट कर दिया जाता है, किसी भी प्लेट में लगाया जाता है, तब उस होल के लगाने के बाद जो इसका डायमीटर होता है बेसिकली मीन्स सामान्यतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो डायमीटर है प्लस जो क्लियर कवरेंस आप अलग से जोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से उसमें फिट हो सके उस प्लेट में, तो उसको जोड़ने के बाद जो चीज़ मिलता है आपको उसे ग्रॉस डाय बोलते हैं। हमेशा याद रखिए कि आप इसको कैसे जो है आप इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि अगर किसी भी डाया का रिवेट, ठीक है, किसी भी डाया का रिवेट अगर लेस देन 25 mm है, तो अगर आप उसका ये तो अगर आप उसका ग्रॉस डाया निकालना चाहते हैं, ग्रॉस डाया निकालना चाहते हैं, तो उसका जो भी डायमीटर है डी प्लस 1.5 mm उसमें ऐड कर देंगे तो आपको उसका ग्रॉस डाया मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ डी क्या है, डी आपका उसका नॉमिनल डायमीटर है। ठीक, अगर डी किसी भी रिवेट की डायमीटर 25 mm से अधिक है और अगर आप उसका ग्रॉस डायमीटर जानना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो ग्रॉस डायमीटर है उसको निकालने के लिए डी प्लस 2 mm
किया जाता है, जिससे उसका जो है ग्रॉस डाया आपको पता चल जाएगा। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, तो इस वजह से आप इसका विशेष ध्यान रखिए, ये वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका रिबेट। अब बात कर लेते हैं रिबेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो रिबेट को जो है बेसिकली तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है अकॉर्डिंग टू हेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेड बात करें, मीन्स उसके हेड के आकार के अनुसार, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हेड जिसकी मैंने डिस्कस किया था, ये हेड होता है और आपका ये जो सिरा होता है इसका रिवेट का सैंक होता है। तो हेड के आकार के अनुसार, जैसे ये राउंड है तो इसे राउंड रिवेट बोलेंगे। अगर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर स्नैप है तो इसे स्नैप हेड रिवेट बोलते हैं। ये काउंटर सैंक होता है, ये आपका टेपर्ड होता है, ये आपका फ्लैट हेड होता है रिवेट, और आपका ये जो है राउंड टेपर्ड नेक रिवेट इसे बोलते हैं। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन, ये अकॉर्डिंग टू हेड हो गया, जो कि छह प्रकार के रिवेट होते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड पावर यूज्ड एंड प्लेसिंग, मीन्स इसको लगाने की पावर के अनुसार अगर मैं बात करूँ, इसे तीन प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। पहला हैंड ड्राइवन रिवेट्स है, अगर आप हाथ से हथौड़े से पीट के उसको लगाते हैं तो उसे हैंड ड्राइवन रिवेट्स बोलते हैं। अगर पावर ड्राइवन किसी मशीन के द्वारा जो है आप अगर उसको लगा रहे हैं तो उसे पावर ड्राइवन, फील्ड में अगर लगा रहे हैं आप, खुले क्षेत्र में एटमॉस्फेयर के संपर्क में अगर वो रिवेट डायरेक्ट है तो उसको हम पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट्स बोलते हैं। और यही पावर का यूज करते हुए अगर आप उसे शॉप, किसी वर्कशॉप के अंदर या फिर किसी भी शॉप के अंदर जो है दुकान के अंदर आप उसे लगाते हो तो उसे पावर ड्राइवन शॉप रिवेट्स बोलते हैं। अच्छा, एक इसका क्लासिफिकेशन और किया गया है, मैं आपको उसका भी डिस्कशन बिल्कुल कर देना चाहता हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप केवल जो है आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो है एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसका डिस्कशन होता है, तो आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है। तो नेक्स्ट जो इसका क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविन, मीन्स इस रिबेट को आप कैसे लगा रहे हैं। तो इसके आधार पे अगर मैं बात करूँ तो दो प्रकार से होता है, एक हॉट ड्राइविन रिबेट होता है, कोल्ड ड्राइविन रिबेट। जैसे इस कंडीशन में, जब मैं नॉर्मली कंडीशन में मेरे हाथ में ये रिबेट है तो ये कोल्ड ड्राइविन रिबेट है, मतलब ठंडी अवस्था में अगर मुझे कहीं पर प्लेट को जोड़ना है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे जहाँ पे भी उस रिवेट को लगाना है उसको होल करूँगा और उसमें जो है इस रिवेट को इंसर्ट करके हथौड़े की मदद से पीट के लगा दूँगा। दूसरा है हॉट ड्राइवन रिवेट। इसको हॉट ड्राइवन रिवेट को लगाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि इस रिवेट को गर्म कर दिया जाता है, खासकर आप अगर इसे कहीं पर भी ब्लैक स्मिथ जो दुकानदार होते हैं, जो आपके लोहे के काम करते हैं जिसे लोहार बोलते हैं, अगर उनकी दुकानों पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो चाकू वगैरह बनाया जाता है उनको जोड़ने के लिए वो बेसिकली क्या करते हैं, इसको जो है गर्म करके वो दो स्टील प्लेट्स के में रख कर उसके बाद हथौड़े से पीट कर लगाते हैं। तो बेसिकली रिवेट का जो क्लासिफिकेशन वो तीन प्रकार से किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ हेड, तो इसके आधार पर मतलब उसके हेड के आकार के अनुसार। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविन, हॉट ड्राइविन और कोल्ड ड्राइविन रिबेट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पावर, हैंड ड्राइविन पावर एंड पावर ड्राइविन शॉप रिबेट, ये तीन प्रकार के रिबेट होते हैं। अब बात कर लेते हैं जॉइंट्स के, टाइप्स ऑफ जॉइंट की। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो टाइप्स ऑफ जॉइंट बेसिकली दो प्रकार से होते हैं, एक होता है आपका लैप जॉइंट और दूसरा होता है आपका बट जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है और बट जॉइंट क्या होता है, आइए चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लैप जॉइंट में बेसिकली क्या होता है, आपका जैसे ये एक प्लेट है, ये पेंसिल एक प्लेट है और एक ये पेन प्लेट है, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के ऊपर लैप ओवरलैप कर देते हैं इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक इस पेंसिल के ऊपर इस पेन को चढ़ा दिया है, और अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये प्लेट अगर मान लीजिए, इसे प्लेट समझिए, तो क्या करूँगा, यहाँ पे एक होल इंसर्ट करूँगा और इस रिवेट को यहाँ रखूँगा और ऊपर से इसे पीट दूँगा, तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके के जॉइंट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव देकर जब इस जॉइंट को फॉर्म किया जाता है
तो इसे लैप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और इस लैप जॉइंट को बनाने के लिए आपको बेसिकली ये ध्यान रखना होता है कि इनकी लैप जो है लेंथ सफिशियंट होनी चाहिए, अदरवाइज क्या हो सकता है, जब भी लोड आएगा तो ये ओवरटर्न करके हट सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर रिवेट इंसर्ट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम लैप जॉइंट बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये प्लेट नंबर वन है और ये प्लेट नंबर टू है, और इन दोनों के ऊपर रिवेट का यूज किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे आपको बताया ये पेन हमारी पेन है और ये हमारी पेंसिल है, दोनों को ओवरलैप किया गया है, और जो जितनी दूर इनका चढ़ाव किया गया है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लैप किया गया है, उसे हम लैप लेंथ बोलते हैं या फिर ओवरलैप लेंथ बोलते हैं। सेकेंड जो ज्वाइंट होता है वो होता है हमारा आपका बट ज्वाइंट, ठीक है। सेकेंड जो ज्वाइंट है वो बट ज्वाइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट्स में। बट ज्वाइंट में क्या होता है कि बट ज्वाइंट में हम एक प्लेट को दूसरे प्लेट से बेसिकली हम इस तरीके से फॉर्म करते हैं। बट ज्वाइंट में एक दूसरे को सामने आमने सामने इस तरीके से रखते हैं, और अब चूंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्लेट यहाँ पे हैं, तो आपकी रिवेट इतनी डायक नहीं होता कि आप इसके अंदर इंसर्ट करके आप इसको जोड़ जोड़ को फॉर्म कर सकें। तो आप क्या करते हैं, एक कवर प्लेट लगाते हैं इन दोनों के ऊपर इस तरीके से, या फिर मैं कह दूँ इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों के ऊपर एक कवर प्लेट हम लगाते हैं। कवर प्लेट लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम तो रिवेट नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, अगर रिवेट यहाँ लगाते तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाता। तो इसके ऊपर हमने ये जो पेन रखा है ये कवर प्लेट ही से बोलते हैं, बट जॉइंट में इसका यूज किया जाता है। तो अब हम यहाँ एक रिवेट यहाँ लगा सकते हैं और दूसरा रिवेट हम यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे इन दोनों रिवेटों को जोड़ दूँ तो क्या होगा, ये पेन और पेंसिल दोनों ही जो है अच्छे तरीके से जॉइंट हो जाएंगे और कोई भी जो है लोड आने पर ये जो है स्लिप आउट नहीं होंगे। तो इस तरीके के जॉइंट्स को हम बट जॉइंट बोलते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो पेन आप देख रहे हैं कवर प्लेट इसे बोलते हैं, तो इसका जो भी आपकी थिकनेस होगी, जो भी आप बात कर लें थिकनेस जो होगा, इस कवर प्लेट की थिकनेस इन दोनों पेंसिल और पेन की मेन प्लेट के 5/8 टाइम्स 5/8 टाइम्स रखी जाती है। इससे जो है आप कम नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये लोड जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा और ये यहीं पे फेल हो जाएगा, लोड यहाँ तक नहीं पहुँचने पाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं डिफिनेशन की बात कर लूँ तो डिफिनेशन आप इसकी अगर मैं बताऊं तो डिफिनेशन आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि इन अ लैप जॉइंट टू प्लेट्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर बाय रिवेट्स, ठीक। इन द बट जॉइंट द प्लेट्स आर प्लेस्ड इन द सेम लेवल एडजेंट टू ईच अदर, दीज आर जॉइंट बाय रिवेट्स प्लेसिंग वन और टू कवर प्लेट्स ऑन देम। मैंने भी आपको एक कवर प्लेट दिखाया है, ऊपर पेन रख के दिखाया, वो आप नीचे भी लगा सकते हैं जैसा लोड आ रहा हो उसके अनुसार। जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे तो ऊपर भी कवर प्लेट है, नीचे भी कवर प्लेट है और दोनों साइड रिवेट लगाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि नॉर्मली द थिकनेस ऑफ द कवर प्लेट इज केप्ट 5/8 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेन प्लेट, मीन्स जो मेन प्लेट आपने पेन और पेंसिल को मैं ज्वाइंट कर रहा था उनके थिकनेस के 5/8 टाइम्स जो है इसकी थिकनेस रखी जाती है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट, ठीक। नेक्स्ट जो सिलेबस में है हमारा टॉपिक, वो टॉपिक है हमारा कि पैटर्न ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स, मीन्स रिवेटेड जॉइंट को किस पैटर्न पे लगाया जाता है, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैटर्न ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। तो जो रिवेट का पैटर्न है, बेसिकली हम पैटर्न का मतलब ये है कि आप रिवेट को किस तरीके से आप लगाते हैं किसी भी प्लेट को ज्वाइंट करते समय या स्टील स्ट्रक्चर को ज्वाइंट करते समय। तो जो मेनली रिवेटेड जॉइंट्स के पैटर्न हैं वो तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट है आपका चेन रिवेटिंग, सेकंड है डायमंड रिवेटिंग और थर्ड है आपका स्टैगर्ड रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग को हिंदी में अगर बात करें तो इसे हम सम पद्धति कहते हैं, और सेकेंड जो है डायमंड है आपका, इसे डायमंड ही बोलते हैं। स्टैगर्ड रिवेटिंग में बेसिकली जो होता है, स्टैगर्ड रिवेटिंग इज नोन एज
जिग जैग रिवेटिंग आल्सो। तो इसे हम चेन रिवेटिंग और डायमंड रिवेटिंग और स्टैगर्ड रिवेटिंग को जिग जैग रिवेटिंग भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, चेन रिवेटिंग बेसिकली क्या होती है कि चेन रिवेटिंग में आपके जो रिवेट्स हो प्लेस किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक फिगर मैं और आपको अगर दिखाऊं, एक फिगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से। अगर जैसे एक सिंगल रिवेट लाइन अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिंगल रिवेट लाइन, तो रिवेट लाइन बेसिकली ये वो है कि जिस लाइन पे आपके सारे रिवेट एक सीधी रेखा में लगाए गए हों, या फिर एक ही रिवेट लाइन, जैसे यहाँ पे एक 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 दिख रहा है तो यहाँ पे एक रिवेट लाइन है, यहाँ पे दो लाइनों में रिवेट लगाए गए हों तो ये जो है डबल रिवेट लाइन है, ये ट्रिपल है, ये फोर रिवेट लाइन्स है, क्वाड रिवेट लाइन भी इसे बोलते हैं। तो चेन रिवेटिंग में क्या होता है, चेन रिवेट में सभी रिवेट जो है एक आपके एक सीधी रेखा में होते हैं, और इन आप चाहे रिवेट लाइन 1, 2, 3 में देखेंगे तो आप जो है समान दिख रहे हैं, कोई भी रिवेट ऐसा नहीं है कि किसी रिवेट लाइन में कोई रिवेट आगे पीछे हो। चेन रिवेटिंग में आपके एक सीधी रेखा में मीन्स समान आप कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पे आपके रिवेट्स लगे होते हैं, इसलिए इनको जो है चेन रिवेटिंग बोलते हैं। और आपके स्टैगर्ड रिवेटिंग में क्या होता है कि स्टैगर्ड रिवेटिंग में ये रिवेट्स एक सीधी रेखा में ना होके मीन समान तरीके से ना लगकर आपके आगे पीछे लगे हुए होते हैं। मैं आपको उसका भी एक फिगर दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन जैसी स्थिति ना बने। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इस तरीके से अगर आप रिवेट को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो रिवेट आपके यूज किए गए हैं आप देख पा रहे होंगे, तो आपकी इस तरीके के रिवेट्स को जैसे आप देखेंगे 1, 2, 3 यहाँ पे रिवेट आपके इक्वल डिस्टेंस पे, बट 5, 6 पे आप देख रहे हैं कि ये अलग हो गया है। फिर आप यहाँ पे आएंगे 7, 8 पे आप देखेंगे कि रिवेट अलग फिर से समान आ गया है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पे देखेंगे तो रिवेट लाइन एक जैसे हैं, बट 6, 7, 8 पे आप देखेंगे तो ये जो है डिस्टेंस इसकी चेंज हो गई, मीन्स ट्रायंगल फॉर्म में या फिर आप कह लीजिए जिग जैग फॉर्म में लगे हुए हैं। तो इस तरीके की रिवेटिंग को हम जो है आपकी स्टैगर्ड रिवेटिंग कहते हैं। एक और रिवेटिंग होती है जिसे हम डायमंड रिवेटिंग कहते हैं। डायमंड रिवेट में क्या होता है, किन्हीं भी दो प्लेट्स को जिनको जोड़ा जाना है, रिवेट जहाँ पर उनको ज्वाइंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर इसको ज्वाइंट किया गया है, तो इस यहाँ इस जॉइंट से रिवेट की संख्या बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्लेट के किनारे की साइड बढ़ेंगे रिवेट की संख्या घटती जाती है। जैसे आप देखेंगे ये एक प्लेट नंबर 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है, तो आप देखेंगे पहले यहाँ पे इस रिवेट लाइन पे 4 रिवेट लगे हैं, फिर आगे चल के ये रिवेट लाइन पे सेकेंड रिवेट लाइन पे 3 हो गए हैं, फिर ये 2 हो गए हैं, फिर 1 हो गए हैं। इसी प्रकार इस मेन प्लेट पे दूसरी प्लेट पे देखेंगे तो फिर 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है। तो इस तरीके से मींस डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है कि रिवेट की जो संख्या है वो प्लेट के जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम होती है, और किनारे की साइड जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो रिवेट की संख्या जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटती जाती है। तो इसको जो है हम डायमंड रिवेटिंग बोलते हैं। तो हमने जान लिया जो कि हमारे सिलेबस में था कि आपके पैटर्न ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स क्या हैं। तो पैटर्न ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स 3 प्रकार के हैं, चेन रिवेटिंग, और सेकंड है आपका स्टैगर्ड रिवेटिंग, और थर्ड है आपका डायमंड रिवेटिंग ना। नेक्स्ट है आपका बोल्टेड कनेक्शन, लेकिन उससे पहले मैं ये आप रिवेट की स्ट्रेंथ निकालना आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि इन्होंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है, बट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आप कह लीजिए कि इसमें भी कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले एक डिफिनेशन, जो बेसिक कॉमन डिफिनेशन है आपको वो पता होनी चाहिए, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो आप ये फिगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपकी एक प्लेट है जिसपे रिवेट लाइन 1, 2, 3, 4 है। तो रिवेट लाइन क्या होती है पहले इसको देख लेते हैं। तो द डायरेक्शन पैरेलल टू द स्ट्रेस ऑन विच द रिवेट्स आर प्लेस्ड इज कॉल्ड द गेज लाइन और रिवेट लाइन। मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स के डायरेक्शन में
फोर्स के डायरेक्शन में पैरेलल आप कह लीजिए, जो जिस लाइन पे सारे रिवेट्स अरेंज किए जाते हैं या लगाए जाते हैं उनको जो है हम रिवेट लाइन या फिर गेज लाइन कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस क्या होता है आपका? एज डिस्टेंस होता है प्लेट के किनारे से लेकर आउटर साइड टू आउटर पोर्शन ऑफ द प्लेट टू द नियरेस्ट रिवेट लाइन इज डिस्टेंस इज नोन एज एज डिस्टेंस। मीन्स प्लेट के किनारे से लेकर प्रथम रिवेट लाइन के बीच जो डिस्टेंस जो दूरी होती है उसे हम एज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, गेज डिस्टेंस क्या होता है? तो गेज डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, किन्हीं दो रिवेट लाइनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम गेज डिस्टेंस बोलते हैं। इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट गेज लाइन्स और रिवेट लाइन, दिस इज इंडिकेटेड बाई स्मॉल जी। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपसे कम एग्जाम में जानना जरूरी है और वो होता है हमारा पिच। तो पिच क्या होता है? किन्हीं भी किसी भी रिवेट लाइन में किन्हीं दो क्रमागत मीन्स किन्हीं भी दो रिवेट लाइन जो कि सो नियर बाई हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। ठीक है, और स्टेगर्ड पिच जैसे आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी रिवेट लाइन, आप मान लीजिए ये एक रिवेट है और इसके नज़दीकी कोई रिवेट कौन सा है? ये है। ठीक है, तो अगर कोई रिवेट एक समान पद्धति चेन पैटर्न में ना लगे स्टेगर्ड पैटर्न पे लगी हुई है तो उनके किन्हीं दो क्रमागत रिवेट लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उन्हें हम जो है पिच बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस रिवेट को देखेंगे, यहाँ इसके पास में या फिर ये रिवेट है या फिर ये है, तो इसके इस रिवेट के इधर के डिस्टेंस पी वन, ये भी स्टेगर्ड पिच होगी और ये भी स्टेगर्ड पिच होगा। जैसे यहाँ पर ये पिच है, फिर इस रिवेट के लिए क्या होगा? इस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे पिच होगा, फिर इस तरीके से आपकी ये पिच होते हैं। हमेशा याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिवेट लाइनों के बीच की डिस्टेंस को गेज बोलते हैं, जबकि फोर्स के पैरेलल अगर या फिर फोर्स के डायरेक्शन में किन्हीं भी दो रिवेट लाइनों के एक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम पिच बोलते हैं। अब कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, ये आपके कोड में नहीं है। तो परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें तो अगर कोई भी रिवेट, याद रखिए कोई भी रिवेट अगर शॉप में लगाया गया है तो उसके लिए एक्सियल टेंशन, ठीक है, सिग्मा टी से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी इसे एफ टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो एक्सियल टेंशन की वैल्यू होती है वो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ली जाती है। शियर की बात करें तो इसके लिए जो वैल्यूज़ होती है वो आपका 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिया जाता है। बियरिंग के लिए जो वैल्यू होती है वो 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी प्रकार आपका जो हैंड ड्राइव एंड रिवेट्स होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है आपकी सिग्मा टी, या फिर इसे एफ टी से भी डिनोट करते हैं, वो 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। और शियर की बात करें सिग्मा एस, या फिर आप इसे कभी कभी एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। और एफ बी या कभी कभी सिग्मा बी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो होता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है, जब भी स्ट्रेंथ आप निकालेंगे तो आप इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं कि रिवेट के फेलोअर होने के चांसेस क्या क्या हैं। तो कोई भी रिवेट तीन तरीके से फेल हो सकता है, या तो टेंशन में को लोड को बियर करते समय फेल होगा, या तो शियर को बियर करते हुए समय फेल होगा, या फिर बियरिंग स्ट्रेंथ अगर प्लेट की कम है तो उस समय वो फेल होगा। टेंसाइल फेलोर क्या होता है बेसिकली, कि जैसे कि मैं इस एग्जाम एक फिगर में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक फिगर दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी रिवेट अगर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस रिवेट को अगर मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ कम है तो ये क्या होगा, यहाँ से ये इसके छिन जाने की मतलब टूट के निकल जाने की चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके के जो टेंशन के कारण, तनाव के कारण, जब अब चूंकि इस प्लेट पर भी आपको फोर्स लग रहा है, इस प्लेट पर भी फोर्स लग रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा, जिसके कारण ये अगर ये टूट कर निकल जाने की प्रवृत्ति में होगा, तो इस प्रकार के टूट कर निकल जाने की प्रवृत्ति होगी इसकी, तो इस कारण जो आपका फेल्योर होगा उसे हम जो है टेंशन फेल्योर कहते हैं, उसे टेंशन फेल्योर हम कहते हैं।
अब किसी भी टेंशन फेलोर की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है क्या, परमिसिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, पी टी की वैल्यू जो होती है, पी टी इक्वल टू होता है पी माइनस डी इंटू टी, मीन्स ये हो गया हमारा बी का वैल्यू इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, ये पी माइनस डी मीन्स आप चूंकि इसके बीच दो पिच हैं, ठीक है, तो इसमें डी डायमीटर जो है हम माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधा रिवेट इधर बचा हुआ है, आधा रिवेट इधर, तो पूरे रिवेट को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पी माइनस डी हो जाएगा। और पी क्या है, इन दोनों रिवेटों के बीच का आपका अंतराल है, पिच है। ठीक है, तो पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। एफ टी क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर शॉप में लगाया गया है रिवेट तो उसके लिए 100 वैल्यू होगी एफ टी की, और अगर हैंड ड्राइवन रिवेट है तो आपका जो है आपका 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पी टी की वैल्यू, टेंसाइल फेल्योर की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी रिवेट की टेंसाइल फेल्योर की वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार सीयर फेल्योर होता है। ठीक है, सीयर का मतलब होता है, सीयर मीन्स आप जानते हैं, सीयर मीन्स होता है कर्तन, कर्तन का मतलब होता है काटना। ठीक है, काटने वाला बल, हिंदी में मैं बेसिकली आप समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको जो है कनेक्टिंग आप अच्छे से कर पाएँ सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप इंग्लिश अब फोर्थ ईयर में हैं तो आप इंग्लिश जान ही रहे हैं, चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके। सीयर फेल्योर में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस फिगर में, तो ये रिवेट जो है बेसिकली लगा इस तरीके से था। ठीक है, एक पूरा रिवेट लगा था, लेकिन चूंकि ये मान लिया हमने कि एक फोर्स इधर काम कर रहा था, एक फोर्स इधर काम कर रहा था, और रिवेट की स्ट्रेंथ कम थी, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो रिवेट का ये ऊपरी सिरा है वो यहाँ पे रह गया, नीचे की मान लीजिए कि ये इसका सैंक पोर्शन जो है वो कमज़ोर था, तो ये कट कर इधर चला गया। तो इस तरीके की जो फेल्योर होते हैं, इस प्रकार के फेल्योर को हम सीयर फेल्योर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो सिंगल सीयर है, तो ये आपका एक रिवेट फेल्योर हुआ, अगर यहीं पर दो रिवेट होता तो दो। ठीक, अब इसका भी स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेंथ इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये चूंकि आपका जो रिवेट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो रिवेट है, ये रिवेट है सर्कुलर, तो इसका जो एरिया होगा पाई बाई फोर डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई परमिसिबल स्ट्रेस, तो परमिसिबल स्ट्रेस सीयर के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर पावर ड्राइवन रिवेट है तो 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लेंगे एफ एस की वैल्यू, और अगर आपका हैंड ड्राइवर रिवेट है तो 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लेंगे। तो एफ एस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है सीयर फेल्योर की स्ट्रेंथ निकल जाएगी। अब चूंकि यहाँ ये एक रिवेट है तो हम एक रिवेट का एरिया ले रहे हैं पाई बाई फोर डी स्क्वायर, अगर यहाँ पे दो रिवेट, चार रिवेट, छः रिवेट रहेंगे तो हम उतने रिवेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उसका पूरा एरिया निकल जाएगा मल्टीप्लाइड बाई परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका बियरिंग फेल्योर। बियरिंग फेल्योर क्या होता है, बियरिंग फेल्योर में आपकी प्लेट का जो बियरिंग एरिया है, जिस पर वो प्लेट आपका लोड को बियर करती है, वो फेल्योर होता है। ये किस प्रकार होता है, मैं थोड़ा सा इसका फिगर आपको अच्छे से दिखा दूं ताकि आप जो है इसको कनेक्ट कर पाए। बियरिंग फेल्योर में क्या होता है कि इस तरीके से आपके रिवेट, जो कि मैंने आपको रिवेट दिखाया था, रिवेट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये रिवेट पूरे लोड को जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, और ये रिवेट कहीं यहीं नीचे से या फिर कहीं पे भी, इस रिवेट में कहीं पे से भी यह इस तरीके से सीधा ना होकर कहीं से मुड़ जाता है। तो इस तरीके का जो फेल्योर होता है, इसे बियरिंग फेल्योर बिटवीन प्लेट एंड रिवेट, ये रिवेट और प्लेट के बीच में कहीं जो है इसमें आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बकलिंग टाइप का हम कह सकते हैं, वो हो जाता है। तो इसी वजह से इस फेल्योर को हम बोलते हैं बियरिंग फेल्योर बिटवीन प्लेट एंड रिवेट्स। ओके, इसको निकालने का जो फार्मूला है वो सेम है। अब स्ट्रेस निकालने के लिए मीन्स परमिसिबल सॉरी फेल्योर स्ट्रेंथ, इसका अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, एरिया, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका परमिसिबल स्ट्रेस। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, डी जो इसका डायमीटर है रिवेट का, वो मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस ऑफ द प्लेट। ठीक है,
और मल्टीप्लाइड बाई एफ बी जो परमिसिबल स्ट्रेस है, तो ये जो वैल्यू होती है वो आपकी जो है हो जाती है बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, फेल्योर स्ट्रेस या फिर बियरिंग स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप उसे स्ट्रेंथ ही कहें, ठीक है, फेल्योर भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी पी बी इक्वल टू बियरिंग एरिया मल्टीप्लाई, तो पी बी इक्वल टू जो फार्मूला होता है पी बी इक्वल टू हो जाता है डी इंटू टी इंटू एफ बी, ठीक है, ओके, या फिर डी इंटू टू टी वन मल्टीप्लाइड बाई एफ बी, ठीक, टी वन टी टू तब है जब आपकी कहीं दो प्लेट्स लगी हुई हैं, तो हमेशा जो टी की वैल्यू होगी वो टू टी वन या फिर टी विच इज लेस, अगर कवर प्लेट लगा उसकी दोनों थिकनेस, ठीक है, कवर प्लेट की ऊपर प्लेट और नीचे प्लेट दोनों को आप ऐड कर देंगे या तो मेन प्लेट, दोनों में से जो कम होगी वो वैल्यू यहाँ पे आप पी बी इक्वल टू आप डी इंटू टी इंटू एफ बी में आप रखेंगे, ठीक। एक ध्यान रखिएगा कि एक वैल्यू होती है रिवेट वैल्यू, तो सीयर फेल्योर, बियर फेल्योर और टेंशन फेल्योर, पी एस, पी बी और पी टी, जो तीनों फेल्योर हमने निकाला है इन तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वही उस रिवेट की वैल्यू कहलाएगी, मीन्स वही वो उसकी रिवेट की स्ट्रेंथ होगी। तो हम उसका सीयर स्ट्रेंथ भी निकालेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ भी क्या निकालेंगे और टेंशन स्ट्रेंथ भी निकालेंगे, और तीनों में से जो वैल्यू मिनिमम होगी वही वैल्यू जो है उसकी फेल्योर वैल्यू या फिर उसकी स्ट्रेंथ होगी। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आपको याद रखना है कि अब नेक्स्ट वैल्यू होती है आपकी एफिशिएंसी। तो किसी भी प्लेट की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप जानना चाहते हैं कि वो जॉइंट कितना जो है एफिशिएंट है किसी भी लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो एफिशिएंसी जानने के लिए जो वैल्यू फार्मूला होता है वो होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हो गया मतलब रिवेट वैल्यू हो गया, मीन टेंसाइल पी टी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, सीयर स्ट्रेंथ पी एस इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एफ एस, बियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू हो गया पी बी इक्वल टू डी इंटू टी इंटू एफ बी, इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपकी वो वैल्यू हो गई एक्चुअल स्ट्रेंथ बटे आपका अपान में क्या होगा स्ट्रेंथ सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो हमें एफिशिएंसी आप जॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम रिवेट के सारे क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो लगवाऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेबस है वो है हमारा वोल्टेज कनेक्शन, तो उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, मैं नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दूंगा। जैसा कि एग्ज़ाम डेट आपको पता ही है 9 जनवरी से लेकर आपका 7 फरवरी के बीच आपका एग्ज़ाम होना है, तो इसी हफ्ते जो नेक्स्ट कमिंग वीक आ रहा है आपका, इसी हफ्ते में मैं पूरी स्टील स्ट्रक्चर कवर कर लूँगा और मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहेंगे, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको कहीं नहीं कराए गए होंगे, इतने न्यूमेरिकल मैं करा दूँगा विद कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।